सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 25 के वोटर से शुक्रिया करता हूँ और जो एससी के लोग थे नगर के उनको भी जयवीन करता हूँ, क्योंकि ये बाय इलेक्शन बहुत कांग्रेस का और बीजेपी का स्टेज का सवाल था और हमारे कांग्रेस के जो लोग जो हमको सपोर्ट करके 843 वोट की लीड से जीता, 1075 वोट किए, जो खुद एमएलए रनिंग रहते हुए हमारे वहाँ चैलेंज दे रहे थे, चारों टायर पंक्चर हो गई, वो नाते हैं तो आ जाओ ये जीरो है कांग्रेस, तो मैं उनको कहता हूँ तुम और अगर जोर से आवाज़ बढ़ा के और ज़रा बोलते थे, तुम बोले माइक का ज़रा आवाज़ बढ़ाओ, बोले और ज़रा बढ़ा दे तो और मुझे ज्यादा वोट मिलते थे, क्योंकि लोग आप जैसा बोले वैसा लोग खुद समझ के वोट देने वाली पब्लिक है, हम हैं ना आप हैं, पब्लिक किसको राजा बनाती है, किसी को और राजा बनाती है और किसी को गिराती है, पब्लिक को चैलेंज देना हमको चैलेंज देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में क्या है मालूम है, हमारे ईश्वर खंडरे साहब जो म्यूनसिपल मिनिस्टर है के बसवा कल्याण को 54 करोड़ रुपये दिए, वो करोड़ रुपये में आज तक जितने भी काम हुए उसके ही अभी म्यूनसिपाल्टी बिल्डिंग है 1 करोड़ 20 लाख की और अभी 12 काम बाकी है, और भीमनगर में भी कम्युनिटी हॉल के 25 लाख रखे हुए हैं, वो खाली पीपल का झाड़ बीच में आने से वो रुके हुआ है, इंशाल्लाह पवन पीपल के झाड़ को छोड़ के वो काम चालू कर देंगे 8 से 10 दिन में, और वहाँ के लोगों को हम भीमनगर के जो वायदा करे हुए हैं, जो हम वहाँ पहले से भी 30 साल पहले भीमनगर को फिर बालू हिम्मत नगर याकूतपुरे को खुद एक सुनामी के एक्सीडेंट से बसे थे, आज वहाँ बड़ी आबादी हो गई है और 1700 चिल्ला रोड महीने टी गए और उसमें हम 1800 1700 चिल्ला, तो हम चाहे तो और भी मिलके हम और दलित लोग मिलके रहेंगे तो और इससे ज्यादा लीड से रहेंगे और ज्यादा हम ये सब रहेंगे तो बाबा अम्बेडकर के कानून से हमारा यहाँ एमएलए भी बना सकते हैं हम, हमारा ये करते हैं कांग्रेस के आइंदा 6 के 6 सीट आएंगे, अभी तो 3 MLC हैं और 6 के 6 सीट कांग्रेस के आएंगे, और मैं हमारे एमएलए साहब से ये करता हूँ डेवलपमेंट आप आके आज 8 महीने हुआ बचने को 3-4 महीने आप भी क्या करो, आप जो है ना आपके चीफ मिनिस्टर से स्पेशल फंड लो लाके करो, वो तुम कहाँ तो अंधो मंडप का फंड आ रहे हैं मैं ला रहा हूँ तो वो नहीं, हमारे मर गए सिर्फ बीनारण असेंबली में उठाए थे, हालांकि एक दलित आदमी होते हुए बाबा अंबेडकर के कानून को लेके उन्होंने असेंबली में ठहर के बोले कि अनुभव मंडप बनाना कोई दूसरे के नहीं बोले, उनके वजह से हमारे कांग्रेस के सिद्धरामैया के गवर्नमेंट में हुआ, हम बात करके डेवलप करते हैं, इन्होंने पत्थर रख के पूजा कर देते बस, उनका दूसरा डेवलप का काम नहीं है, इन्हों भी जो है थोड़ा फंड लो और आपकी जो जीत है आपकी बेगम की तरफ से जीत है, आपके तरफ से जीत नहीं है और आप भी कांग्रेस के जितने शुरू से बीच कांग्रेस से होके आप और बीजेपी में गए वो कोई बात नहीं है, छोड़ो पर जरा सोच समझ के बात करियो, आप एक एमएलए जिम्मेदार आदमी है, आप पूरे 3.5 लाख के कह ये हैं आपके इंतजार हैं, आप ऐसे बात मत करिए। और दूसरी बात हमारे बंडप्पा कासिमपुरे को भी बोलता हूँ बंद बॉडी में डालो, अगर पानी की बॉडी में डालेंगे तो ऊपर रहेंगे और नको बंद बॉडी में डालो, तो आप ये बकरों के जैसे होने की बात बंद करिए, आप सोचिए आप 2 बार जीते वो भी अगर गए बारी भी अगर हमारा वहाँ टिकट जरा ये हो जाता तो आप भी नहीं जीतते थे, आप ऐसी बात मत करिए, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, आप एक जिम्मेदार जनता दल के पोस्ट पे हैं, हम जनता दल के देवीगौड़ा का सम्मान करते हैं, क्योंकि आप ऐसी बात बोलना नहीं, ये वार्ड में म्यूनसिपाल्टी के आगे क्या भी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, अब छोड़ो हमारा साहब तो क्या इन्नी मिन्नी 1-2 साल के जनता दल की इन्हों भी कांग्रेस से चाहिए, कोई कांग्रेस 140 साल में क्या डेवलप करे ये सब बीएचएससी कौन डेवलप करे, मैं कल्याणी की बात करता हूँ 65 में कल्याणी में लाइट थी क्या बोलिए, अब ये लाइट ये रोड ये डबल रोड और जो जाने के गाड़ियाँ का रोड हुआ अच्छी उधर कांग्रेस की देन है, बीजेपी क्या दी बोलो, हाँ हमारे अडवरप्पा एक काम कर रहे थे जो कल्याणी को आर टी ऑफिस दिए थे, ये काम में लेके बोलूंगा ये अकाजू 3 एक 3 में 3 नहीं देता बोले, पर हम 2-2.5 महीने बैठने के बाद एक आर टी ऑफिस बसवा कल्याण को दिए, वो अडवरप्पा की मेहरबानी है जो बसवा कल्याण को आर टी ऑफिस दिए, उस वक्त हमारे बसुराज साहब एमएलए थे बसुराज पाटिल एमएलए थे तो उन्होंने क्या करे भालकी का लेंगे आर टी ऑफिस और तुम कल्याणी वालों को भालकी का देंगे, नहीं बोले हम नया बोले तो नया वो दिए,
कौम ये हार रही है, अगर ना करके एमएलए साहब को आइंदा से काम मत करिए और आप कुछ तो डेवलप लाइए। आप बच्चे हुए आपके इतनी भी नहीं जिंदगी के 8 महीने थी नहीं, फिर आप भी हम वही पब्लिक के नहीं जाके मंगना है चैलेंज, मत पब्लिक के लिए कबूल करना है। हमको चैलेंज मत दो, पब्लिक के पास जाके चैलेंज दो। और हमारे पास 3 MLC है, 4 MLA थे, 4वीं से अल्लाह ताला भगवान को प्यारा करा 3 है, आगे हम 6 के 6 MLA लेंगे। और कौन गायकवाड के वार्ड में 2.5 से 3 करोड़ का काम हुआ, अभी भी थोड़ा छोटा मोटा जो भी काम है इंशाल्लाह 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएंगे। और वहाँ के लोगों को भी हम 10 बार शुक्रिया अदा करते हैं जो हम लोगों को इतना लीड से जीतेंगे। और 1 घंटा अगर बारिश नहीं होता तो और इससे ज्यादा लीड से होता था, क्यों MLA साहब के चैलेंज कबूल करके जीता। सब पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ।